सरोकार। आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, अटल पुल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी से मिले येदियुरप्पा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तेज हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, सीएम भूपेश बघेल ने दिया घर आने का न्योता। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ लेंगे उदय उमेश ललित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग जीतकर रचा इतिहास, खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। गाजियाबाद के दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक राजनगर एक्सटेंशन पहुंचे। सीएम योगी इस शहर के रियासी कॉलोनी में गए और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया और कुछ बच्चों ने सीएम योगी के नारे भी लगाए। बच्चों ने सीएम योगी के साथ फोटो खिंचवाई। बता दें कि सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्तीकरण को लेकर पुलिस और ट्रैफिक विभाग की प्रेस वार्ता की गई, जिसमें ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि टावर ध्वस्तीकरण के दौरान लगभग 400 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहेंगे और ट्विन टावर के चारों ओर की गई सड़क बंद रहेगी। इसके साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे भी आधे घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। देखिए, ट्रैफिक की एडवाइजरी कल ही जारी कर दी गई है और लगातार इसको अपडेट भी किया जा रहा है। अपडेट करने का मतलब उसको रिपीट करके दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हमने गूगल मैप में आपको पूरे ट्रैफिक प्लान को ब्रीफ किया है। बेसिकली ट्रैफिक जो हमारा प्लान है सेम डे के लिए, जिस दिन ब्लास्ट का दिन है, ट्विन टावर के आसपास के जो कनेक्टिंग रोड हैं, विशेषकर ट्विन टावर को घेरने वाले रोड और उसको जोड़ने वाले रोड, उसको सुबह 7 बजे से ही प्रतिबंधित किया जाएगा, बैरियर के माध्यम से रोका जाएगा। लेकिन ट्विन टावर के अंदर सोसाइटी से कोई गाड़ी बाहर जाती है तो उनको बिल्कुल जाने दिया जाएगा। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण को लेकर पुलिस और ट्रैफिक विभाग की प्रेस वार्ता की गई, जिसमें ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि टावर ध्वस्तीकरण के दौरान लगभग 400 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहेंगे और ट्विन टावर के चारों ओर की सड़क बंद रहेगी। इसके साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे भी आधे घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। वाराणसी लंका थाना में मारुति नगर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लगभग सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का हाल पूछ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहां के रहने वाले लोग अपना सामान समेटकर पलायन करने को मजबूर हैं। सूचना मिली थी अभी, यहाँ के लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि किसी छोटे बच्चे के डूबने की सूचना है। मौके पे आया है तो इंस्पेक्टर नगवा को सूचित किया गया, सीओ भेलूपुर को भी सूचित किया है, लेकिन अभी तक मौके पे एनडीआरएफ की टीम नहीं आई है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति बनारस में देख रहे हैं। लेकिन कमियाँ तो है ही है, लेकिन प्रयास है कि जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इसमें जल्द से जल्द जो है एनडीआरएफ की टीम भेज करके परिवार के जो बच्चा जो डूबने की सूचना मिल रही है उसको खोजने का प्रयास करें। यथा संभव हो सके अगर बच्चा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बिजनौर में एक घर में घुसे विशालकाय अजगर को देखकर घर के लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने विशालकाय अजगर का घंटों तक रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद परिवार वालों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
बुलंदशहर में बिना ड्रग लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित विभाग से भी की जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक विभाग के ही किसी कर्मचारी के मिले होने की वजह से ड्रग इंस्पेक्टर के छापे की सूचना पहले ही मेडिकल स्टोरों के संचालकों को मिल जाती है और वो सतर्क हो जाते हैं। इस बात से परेशान लोगों ने अब इसकी शिकायत डीएम से की है। वाराणसी के लंका थाना में रविदास घाट पर दोस्त के साथ नहाने गए एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ के बहुत प्रयास के बाद शव अभी तक नहीं मिल पाया। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसको देखते हुए राजस्व प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमारे बाढ़ राहत कैंप संचालित किए गए हैं। कुल पूरे जनपद में 40 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं और इनके आसपास के जो मोहल्ले हैं वहाँ के जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं इन कैंपों में उनको लाया जा रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग कैंपों में नहीं आए हैं क्योंकि पानी अभी आबादी में नहीं घुसा है ज़्यादा। पिछले 10 सालों से लगातार बनी हुई है, हर साल ये बाढ़ का पानी आता ही है, ना जाने कम से कम 800,000 घर जो हैं इससे प्रभावित होते हैं। पानी तो सर बढ़ रहा है लेकिन चारों तरफ फैल रहा है। ऐसा है कि थोड़ा सा फाटक वाली समस्या थी, अगर फाटक लग गया होता तो शायद हमारे क्षेत्र के जनता को एक कष्ट नहीं भोगना पड़ता। खबर गोरखपुर के रामपुर मलौली गांव से है, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि मामूली बात पर झगड़े के बाद ये आत्मघाती बच्चे ने कदम उठाया। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां गंगा यमुना रौद्र रूप धारण कर ली है। वहीं दोनों नदियों खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रही है। नदियों में उफान आने के कई लोग बाढ़ में फंसे हैं। आपको बता दें एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बाढ़ पीड़ितों को शिविर में पहुंचाया। वहीं बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचने के बाद इन इलाकों की बिजली सप्लाई काट दी गई है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्टीमर से दौरा करके इन इलाकों में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया, साथ ही लोगों को घर छोड़ने की अपील की। प्रयागराज में गंगा नदी का स्तर खतरे के लेवल से ऊपर है और ये आगे भी 3 दिन तक पानी बढ़ने की संभावना है। इसी के मद्देनजर हम लोगों ने हमारे बाढ़ शरणालयों को क्रियाशील कर दिया है और हमारे 14 बाढ़ शरणालय अभी बिल्कुल पूरे तरीके से क्रियाशील है, जहां पर लगभग 2700 लोग अभी रह रहे हैं और हमने हमारे बाढ़ शरणालयों में हर तरह की सुविधा भी दे रखी है। इसके अलावा जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है आज हमने हाँ हर जगह का दौरा किया है, तो बाढ़ में जो फंसे लोग हैं हम लोगों ने उनको राहत सामग्री भी दिया है और उनको आगाह भी किया कि ये भी पानी आगे बढ़ेगा और उनको सुरक्षित क्षेत्रों की तरफ जाने के लिए भी कहा है। गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ाव पर है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल में गंगा का रौद्र रूप प्रयागराज से लेकर बनारस और गाजीपुर से बलिया तक दिखाई दे रहा है और ये बढ़ाव लगातार जारी है। बता दें अब गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वर्तमान समय में गंगा का जल स्तर 63.300 है, जो खतरे बिंदु से ऊपर चल रही है। क्या लगता है आपको गंगा के जलस्तर का, ये बढ़ेंगे कि घटेंगे? अभी बढ़ेगी सर, क्योंकि ऊपर के जो साइडें हैं बनारस में वो भी अभी निरंतर बढ़ रहे हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला से चेन स्नेचिंग की घटना हुई थी, जहां चेन स्नेचिंग करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि पति पत्नी और एक अन्य साथी के साथ स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल अभी एक साथी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस जुटी है। जन्माष्टमी के दिन अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला से चेन स्नेचिंग हुई थी, जिसमें हम लोगों को मौके पर ही स्कूटी, अपराधियों की स्कूटी मिल गई थी। उस स्कूटी के माध्यम से जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो उसमें 2 अपराधियों का नाम आया, उनको हम लोगों ने पकड़ लिया, उनसे चेन भी बरामद हुई है। इसमें ये दोनों पति पत्नी हैं, इनका नाम सुहेल और इशरत है। इशरत का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसपे करीब 16 मुकदमे दर्ज हैं और सुहेल पे 4 मुकदमे हैं। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।